रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम सिल्वर निटिंग नीडल्स की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं और उसमें हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमें अपने एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अ गुड ह्यूमन बीइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हिज कैरेक्टर्स। एक जो अच्छा इंसान होता है उसका किरदार बहुत अच्छा होता है। वो किरदार क्या होता है? उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। फिर उसको पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट होने का क्या मतलब है? कि सलाम में पहल करे, अस्सलामुअलैकुम करे, किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो प्लीज कह के बात करे, कोई अगर उसका भला करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, थैंक यू बोले, और अगर कभी गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले, एक्सक्यूज मी। तो ये चीज़ें हमारी हमें पोलाइट बनाती हैं, तो हमें अपने मैनर्स में पोलाइट होना चाहिए। उसके बाद जो अच्छा इंसान होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हम रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमें जो है वो गन नहीं फैलाना चाहिए। जहाँ पर भी हम पार्क में पिकनिक मनाए तो अपने गार्बेज को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो हम देखते हैं कि द डॉग लव्स इट्स बोन, तो इसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा सब्जेक्ट के साथ। डॉग है तो प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए हमने लव्स एस लगाया। लेकिन अगर जो है वो प्लूरल होंगे तो द डॉग्स हैं, चार कुत्ते हैं, तो उसके साथ लव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, एस हट जाएगा। द डॉग्स लव देयर बोन्स। तो इसमें हमने देखा कि इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैचिंग द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्लूरल। तो बेसिक रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। लेट्स प्रैक्टिस। हम कुछ सेंटेंसेस हमारी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन फॉलो और फॉलोज देयर मदर। तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें। फॉलो और फॉलोज में से हमने एक वर्ड चुनना है, तो इसमें आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है तो हमने फॉलो को सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट जो है वो है प्लीज हैव और हैव लंच राइट नाउ फरहान। तो हम देखते हैं कि हैव जो है वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। तो अब आप खुद से डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दिया जा रहा है फरहान को, तो हम इसके हिसाब से हैव भी लगा सकते हैं। प्लीज हैव लंच राइट नाउ फरहान, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का नहीं मालूम कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉटल ऑफ जूस लाइज ऑन द शेल्फ। तो एक बॉटल है, आप यहाँ पे सोचें, आप इसमें से प्रेजेंट टेंस है लाइज का इस्तेमाल करेंगे या लाइज का? द बॉटल ऑफ जूस लाइज ऑन द शेल्फ, क्योंकि एक बॉटल है, सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम लाइज लाइक के साथ एस लगाएंगे कि एक बोतल जो है वो शेल्फ पे पड़ी है। नेक्स्ट है द थ्री डॉग्स बार्क्स एवरी टाइम दे सी अ स्ट्रेंजर। अब देखें यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे। तीन कुत्ते हैं जो किसी अजनबी को देखते हैं तो उसके ऊपर भौंकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो थ्री डॉग्स हैं, तो बार्क जो है वो प्लूरल के साथ आएगा, तो हम एस नहीं लगाएंगे। द थ्री डॉग्स बार्क एवरी टाइम दे सी अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई कजन इज आर अ टीचर, मेरा कजन एक उस्ताद है। तो आप देखें कि एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए टू बी वर्ब जो है वो इज यूज होता है, तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, माई कजन इज आर टीचर, क्योंकि एक टीचर की बात हो रही है, मेरा कजन एक टीचर है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है नूर एंड द गर्ल्स वर्क आर वर्क्स ऑन द वीकेंड। नूर और लड़कियां वीकेंड पे काम करती हैं। अब आप देखें कि नूर और दो लड़की और कुछ लड़कियां और हैं,
तो ये हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते, तो हम वर्क चूज करेंगे, नूर एंड द गर्ल्स वर्क ऑन द वीकेंड, नूर और लड़कियां जो है वो वीकेंड पे काम करती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीम फील और फील्स हंग्री आफ्टर प्लेइंग ऑल डे। आप यहाँ पे स्टॉप करें और आप इसमें से कौन सा वर्ब चूज करेंगे। आपको पता है टीम जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है, तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो दे प्लूरल हैं, तो हम यहाँ पे फील का इस्तेमाल करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। द टीम फील हंग्री आफ्टर प्लेइंग ऑल डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है माई पेरेंट्स लिव और लिव्स इन लाहौर। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, पेरेंट्स वालदैन को कहते हैं और पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों आते हैं, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लिव इन लाहौर, माई पेरेंट्स लिव इन लाहौर, मेरे वालदैन लाहौर में रहते हैं। तो प्लूरल के साथ जो है वो एस प्रेजेंट टेंस में नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।